Hello friends. I hope you all must be having good health, and you must be dedicatedly preparing for your upcoming examination. Today, under the series of UPS, UPSC previous year question paper discussion, we will discuss question from environment and ecological section from 2019, and from international relation and internal security related areas. That question that have been asked in 2019 prelims. Before solving any question, there are certain points that we must keep in our mind. यू शुड हैव गुड एबिलिटी टू इंटरलिंक वेरियस टॉपिक्स एंड यू शुड हैव पावर एंड स्किल टू कनेक्ट द डॉट्स आपको पता होना चाहिए कि दो अलग अलग टॉपिक हैं उनमें क्या रिलेशन है क्योंकि यूपीएससी हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपको डायरेक्टली आते होंगे आपको एक इंटेलिजेंट गेस्ट लगाना होगा और वहाँ पर कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत यूजफुल होता है इंटरलिंकिंग और कनेक्टिंग डोट्स द कनेक्टिंग द डोट्स का जो कंसेप्ट है ये आपको बेटर मेमोराइजेशन में भी काम आएगा किसी कंसेप्ट को याद रखने में दो अलग अलग इवेंट्स हुए हैं उनका सीक्वेंस याद कर लिया हिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है इसका साइंस में बहुत यूज है पॉलिटी में हर सब्जेक्ट में आपको उनका यूज दिखेगा सो डेवलप दिस स्किल और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू शुड बी टोटली अलर्ट वाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन योर कंसेंट्रेशन लेवल शुड बी वेरी हाई एंड आई वुड सजेस्ट यू एटलीस्ट रीड ए क्वेश्चन ट्वाइस

अगर डायरेक्टली नहीं पूछा गया तो इनडायरेक्टली आपको उस एरिया की उस थीम का पता लग जाता है कि यहां पे यूपीएससी इस तरह से पूछती है सो आई वुड सजेस्ट यू एटलीस्ट सोल्व द क्वेश्चन फ्रॉम पास टू टेन ईयर्स और अगर टेन ईयर से पहले के अगर आप करें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है सो लेट्स बिगिन और फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको और ये बता पूछा गया है कि ई कब इंट्रोड्यूस हुई थी तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ई है क्या ई बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर की कि कोई भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले तो उसको जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर है वहाँ तक चैनलाइज करना इसका मेन पर्पज़ है कि स्टेक होल्डर जितने भी हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल में उनको सबको इन्वॉल्व किया जाए सो ई पी आर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू थाउजेंड इलेवन अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स टू थाउजेंड इलेवन सो ये आपको पता होना चाहिए सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स टू थाउजेंड इलेवन में इस्टेब्लिश आप इंट्रोड्यूस किया गया था अपार्ट फ्रॉम इट देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट कैन बी आस्ड इन फ्यूचर तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं 2016 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी उनमें इनकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ा दी गई थी सी एफ एल को भी अब इसमें इंक्लूड किया गया है और मर्कली कंटेनिंग लैंप्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है अपार्ट फ्रॉम इट आप शेड्यूल वन करके लिस्ट है उसको देख लीजिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में वहाँ पर इक्विपमेंट्स बताए गए हैं जो जो इसमें इंक्लूड है फिर इसमें चीज़ आती है ई e वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ई वेस्ट एक्सचेंजेस इसमें ई e रिटेलर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है और एक बहुत ही अच्छा आइडिया है डिपॉजिट रिफंड स्कीम डिपॉजिट रिफंड स्कीम क्या है परचेज purchase, परचेजर कोई भी जब नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करेगा तो वो एक अमाउंट डिपॉजिट करेगा वो उसको रिफंड हो जाएगी जब वो लाइफ साइकिल कंप्लीट होने पे उस आइटम को वापस सबमिट कर देगा सो डिपॉजिट रिफंड स्कीम ये काफ़ी अच्छा आइडिया है जो इसमें है एक और चेंज जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था वो था ई की जो ऑथराइजेशन है वो कौन देगा पहले ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिया करता था बट अब इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर कर दिया गया है सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड सजेस्ट यू यू शुड बी टोटली अवेयर अबाउट द मेन प्रोविजंस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट से यूपीएससी अब काफी क्वेश्चन पूछ रही है आप कमेंट बॉक्स में कर कर कमेंट करके बताइए कि 2016 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में एक प्लास्टिक की मिनिमम थिकनेस है उसको इंक्रीज करके अब कितना कर दिया गया है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन in इंडिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट सो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं तो उसमें बताना आपको करेक्ट कौन सी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के की, की प्रोविजन क्या क्या है सबसे पहले तो इसकी जुरुडिक्शन की बात करें इसकी जुरुडिक्शन पहले मेनली म्यूनसिपल एरियाज और आपके सेंसस टाउनस में थी अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है अर्बन एग्लोमरेट्स नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में आपके पिलग पिलग्रिम सेंटर है कोई अर्बन एरिया जहाँ पे हैवी फूटफॉल है वो भी इंक्लूड है इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भी इसमें इंक्लूड है सो so, अब ये नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज़ नोटिफाइड टाउन्स और ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स तक ही सीमित नहीं रहा इससे बाहर भी है सो स्टेटमेंट बी इज ट्रॉन्ग देन इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेग्रीगेशन जो भी वेस्ट जनरेटर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करे कितने उसमें कैटेगरीज में तीन कैटेगरीज वन इज़ वेट ड्राई और हजार आपने डस्टबिन का अलग अलग कलर देखा होगा ग्रीन कलर ब्लू कलर तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वेट के लिए कौन सा है ड्राई के लिए कौन सा कलर है तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है द वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इन टू फाइव कैटेगरीज ये आपकी गलत है ये तीन कैटेगरीज में होता है सो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग एक इसमें यूजर फी और स्पोर्ट फाइन का भी प्रोविजन है यूजर फी में क्या है कि कोई भी वेस्ट जनरेट करेगा तो उसको प्रोसेस करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए कॉस्ट लगता है तो उसको जो भी जनरेटर होगा उसको यूज़र फी पे करनी पड़ेगी और कोई भी इन रूल्स को वायलेट करे तो उसके लिए स्पोर्ट फाइन का प्रोविज़न भी दिया गया है देन देर इज़ गुड थिंग वेरी गुड थिंग दैट कोई भी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी हैं या लैंडफिल्स हैं इनके लिए कहाँ स्टेब्लिश हो सकती हैं किस एरिया में हो सकती हैं कितने क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो सारा इसमें बता रखा है सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इसमें हिली एरिया के लिए स्पेशल बता रखा है आप देखेंगे कि कहां कहां पे वो कर सकते हैं और किस किस एरिया में नहीं कर सकते जो फोर्थ इसमें ऑप्शन दिया गया कि इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट ऐसा कहीं भी इसमें नहीं लिखा गया जहां पे रिस्ट्रिक्शन हो सो स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी सी इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कैंपा की बात की गई है दैट इज़ कंपनसेंट्री एफरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी ये बेसिकली टू टू थाउजेंड वन में सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेट के बाद इसको शुरुआत हुई थी इसका जेनासिस वहाँ पे है कि इसका पर्पज़ क्या है बेसिकली कोई भी जब डेवलपमेंट एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो फॉरेस्ट लैंड पे होती है तो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाता है आप इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में भी पढ़ लें कि क्या क्या रूल्स हैं कैसे कैसे कर सकते हैं मेजर प्रोविजंस आपको बहुत ही ब्रीफ है वो, वो आप देख लें सो so, कैंपा पे हैं कैंपा में क्या है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जब फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जाता है तो उसको कंपनसेट करने का प्रोविज़न है एफॉरेस्टेशन से और रीजनरेशन एक्टिविटीज से सो so, इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए कैंपा इस्टेब्लिश की गई थी और 2016 में इसको स्टैचुचरी बैकिंग मिली ये टू टायर मैकेनिज्म है एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे सो so, स्टेट को इसमें नाइन्टी परसेंट ऑफ फंड अलाट किए जाते हैं अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में लास्ट ईयर फोर्टी सेवन थाउजेंड करोड़ के आसपास का फंड है जो डिवोल्यूट किया गया है स्टेट्स के पास स्टेट कैंपा मेन इम्प्लीमेंटिंग है जो देखती है इम्प्लीमेंटेशन इसका तो इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अलाउड हैं वो आपको पता होनी चाहिए वन इज़ कंपनसेंटरी एसोसिएशन असिस्टेड नेचुरल रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये चीजें इसमें अलाउड है सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट एग्जिस्टेड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल ये करेक्ट है कैंपा में कहीं भी पीपल पार्टिसिपेशन को मैंडेट्री बनाने का नहीं कहा गया सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग सो इसका सोल्यूशन होगा सोल्यूशन ए दैट इज वन ओनली डेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव बिन प्रोवाइडेड थ्री स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि ये कौन कौन में से करेक्ट है इनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हमें हल्का सा पता होना चाहिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है क्या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बेसिकली उससे पहले के जो भी एक्ट थे उनको कंसोलिडेट किया गया है और इसका मेन फोकस है जो हाई फॉरेस्ट कवर एरियाज या जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंट हो उन एरियाज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनको कैसे मैनेज किया जाए अपार्ट फ्रॉम इट ब्रिटिश के कुछ कॉलोनियल इंटरेस्ट भी थे तो वो टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एक्सप्लोर्ट करते थे तो उसके कमर्शियल एंगल भी इसमें इन्वॉल्व किया गया इस एक्ट में कि कितने ड्यूटी वायु होगी उसका क्या रूल है कैसे रेगुलेट करेंगे मूवमेंट को ट्रांजिट को इस सब के बारे में फिर इसमें रिज़र्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को और विलेज फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने का कि कैसे उनको डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन सा फॉरेस्ट रिज़र्व फॉरेस्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है विलेज फॉरेस्ट है इसके बारे में बताया गया है आप कमेंट बॉक्स में ये करके कमेंट बत, करके बताएं कि रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है फिर आपका अगली चीज़ है इसमें इट हैज़ प्रोविजन्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट ऑफेंसिस इसमें फॉरेस्ट ऑफेंसिस कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अलाउड नहीं है फॉरेस्ट में वो बताई गई हैं और उनको अगर आप वॉयलेट करते हो तो पेनल्टीज भी बताई गई हैं सो so, ये एक ब्रॉडर आइडिया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन के बारे में अब आपको इसमें क्या पूछा गया अमेंडमेंट्स पूछी गई हैं रिसेंट। अमेंडमेंट्स हुई थी उन अमेंडमेंट्स में बेम्बू को एक्सक्लूड कर दिया गया था ट्री की कैटेगरी से बट दोज अमेंडमेंट्स वर इन एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया के लिए नहीं थी तो जो स्टेटमेंट वन है जो उसमें बात की गई है वो फॉरेस्ट एरिया के लिए की गई है सो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग फिर जो अगला स्टेटमेंट है वो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें पूछते हैं कि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बैम्बू है क्या नहीं ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं वो हैं बैम्बू भी है उसमें ब्रशवुड है स्टम्प्स हैं केन्स है टसर है कोकोन है हनी है वैक्सीज है लीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी इसी का पार्ट है काफ़ी फॉरेस्ट कम्यूनिटीज़ इस पर डिपेंड होती हैं मेडिसिनल प्लांट्स ये काफ़ी हाई पोटेंशल एरिया है ये भी माइनर फ्रेस्ट प्रोड्यूस में आता है सो so, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं सो स्टेटमेंट टू में पूछा गया है कि बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है क्या नहीं सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट और नेक्स्ट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स में जो फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बताया गया इसमें स्टेटमेंट थ्री में हमारे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ऑनरशिप है वो है कम्युनिटी के पास तो इसमें हाँ इसमें क्लियरली बताया गया कि राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेस टू कलेक्ट यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ माइन फ्रेस्ट प्रोड्यूज ये सब आपका विलेज कम्यूनिटीज़ के पास है अपार्ट फ्रॉम इट इसका सो करेक्ट ये आपकी स्टेटमेंट सही है तो इसका सोल्यूशन बी इज करेक्ट सोल्यूशन सो आपको इसमें बाकी एक्ट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया उसमें क्या है और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लीजिए वो भी पूछा जा सकता है और जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ सकते हैं यू पी सो अगला क्वेश्चन अनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से ये देखिए जू पी ने पूछा एटलीस्ट एक या दो दो तो पूछ ही लेती है एक्ट पे एनवायरमेंट से रिलेटेड यूपीएससी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एटी सिक्स एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इटिस और दूसरा है ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ इमिशन सो यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखे और यह पूछा गया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है क्या नहीं पहली पावर है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन ये है बिल्कुल आप देख सकते हो एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असमेंट के रूल्स हैं जो जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स के अंदर ही इस्टेबलिश बनाए गए हैं उनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग रूल्स हैं सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू दैट इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ये क्लियरली लिखा है एक्ट में कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट सो इसका करेक्ट सोल्यूशन है सी सो so, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको सब की प्रोविज़न पता होनी चाहिए मेन एक्ट्स की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रीन ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी या किया जा सकता है कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए किस एक्ट के अंदर इसमें इस एक्ट के इस एक्ट के अंदर क्या मेन प्रोविज़न है क्या इसका पर्पज़ है इसमें सिक्स मंथ्स का कहा गया कि एक्सपीडाइट किया जाएगा आपके एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस को So, ये सब आपको पता होना चाहिए अगला क्वेश्चन है स्पीशीज के बारे में कि नेचुरली ये स्पीशीज कहां कहां पाई जाती हैं। जैसे एशियाटिक लाइन डबल हम्प्ड कैमल और वन हॉर्न रेनासोरस सो so, सबसे पहले एशियाटिक लाइन एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये गुजरात में स्पेशली गिर नेशनल पार्क के अराउंड और गिर नेशनल पार्क में यह पाया जाता है एट प्रेजेंट यह इंडिया में ही पाया जाता है नेचुरली और इसका आई स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए पूछा जा सकता है वलनरेबल इसका आईसी स्टेटस है सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट वन इज करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज डबल हम्पड कैमल इज नेचुरल फाउंड इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली ये डबल हम्पड कैमल है आपका यह आप देख सकते हैं बट ये सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता इंडिया में ही पाया जाता है नुब्रा वैली में लद्दाख में बट सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता ये स्टेपिज ऑफ सेंट्रल एशिया का नेटिव है सो स्टेटमेंट टू इज़ रॉन्ग इसका यू स्टेटस क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड देन द थर्ड स्टेटमेंट इज वन हॉर्न रैना इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पाया जाता है बट सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता है चितवन नेशनल पार्क नेपाल में भी ये पाया जाता है इसका आई स्टेटस है वलनरेवल अपार्ट फ्रॉम इट अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन डायनासोरस जावन एंड समुत्रन इनका आई स्टेटस आपको पता होना चाहिए वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग स्टेटमेंट थ्री इज रॉन्ग सो द सोल्यूशन इज ए ओनली लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक और इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू टू ये किसके किससे रिलेटेड है ये सो इसमें आर्टिफिशियल रेन से पूछा गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन से या सोलर विंड से या ग्लोबल वार्मिंग से ये बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो इसको तो ये जियो इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए ये टेक्निक्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है जो वो है डी डी इज़ द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है तो आपको पता भी होना चाहिए सीरियस क्लाउड थिनिंग है क्या सीरियस क्लाउड थिनिंग है जब आप देखोगे कि सीरियस ये क्लाउड इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा जब आप इनकी थिनिंग करोगे तो वो एब्जॉर्बशन कम हो जाएगी तो जो वार्मिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा सो इससे कूलिंग में फ़ायदा होता है तो ये कूलिंग इफेक्ट का, का काम करते हैं एक तरह से और दूसरा है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन ये बेसिकली क्या है कि सल्फाइड गैसेज लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड इन तरह की ये जो आपके गैसेज हैं इनके पार्टिकल्स को इनका स्प्रे किया जाता है एयरक्राफ्ट से या बैलून से और ये क्या काम करते हैं ये रिफ्लेक्टिव का बैरियर का काम करते हैं सनलाइट के लिए बट प्रॉब्लम क्या है ये काफ़ी कॉस्टली टेक्निक है सो so, बट आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्निक है क्या क्या, क्या फ्यूचर में शायद और इनोवेशन हो और इनका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए सो so, ये दोनों जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि कमेंट करके कि क्या क्या और जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स आपको पता है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन सो ये पूछा गया कि है क्या ये एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिलेटेड है नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हैं हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल से रिलेटेड हैं या वेस्ट टू एनर्जी से रिलेटेड है सो लेट्स सी पैरोलिसिस बहुत ही कॉमन टर्म है आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा ये ये वेस्ट टू एनर्जी की टेक्निक है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है दोनों का पैरोलिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन वेस्ट टू एनर्जी की टेक्निक है पैरोलिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है और दूसरा है प्लाज्मा गैसिफिकेशन इसमें क्या है दिस इज एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस दैट यूज इज प्लाज्मा विच कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मैटर इन टू सिन गैस जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बनी होती है बेसिकली फिर आपको इंसिनरेशन भी पता होना चाहिए क्या है ये सब टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि वेस्ट से एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है आपको कंपोस्ट से रिलेटेड वेस्ट टू वेल्थ का बेसिकली कंसेप्ट है इसको ब्रॉडली कर लीजिए कि जो भी वेस्ट है अब उसको वेल्थ बनाने की बात की जा रही है यूपीएससी तो किसी ना किसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है किसी और एरिया से सेम थीम के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अगस्त हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व सो so, यहां पे क्या है नैयर पेपरा और शेंदरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कलाकड मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व ये है जो ये इसका पार्ट है बेसिकली अगस्थ मलाई जो बायोस्फेयर रिज़र्व है वो आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है वहाँ पे है ये जो आपका बायोस्फेयर रिज़र्व है और केरला और तमिलनाडु बेस स्टेट्स को बेसिकली कवर करता है जो इंडिया का लोअर यहाँ मैप में आप देखेंगे तो नीचे ये मिलेगा सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है ये थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन और फैक्चुअल है बट अगर आपने हल्का सा बायोस्फेयर रिजर्व्स को देखा हो तो आप इसको सही कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सिमलीपाल बायोस्फेयर रिजर्व कहां पर है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हरबीवर्स सम स्पीसीज ऑफ फिशिज आर हरबीवर्स सम स्पीसीज ऑफ मेरीन मैमल्स आर हर एंड सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर बायोविपर्स सो यहाँ चार स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी और कौन सी नहीं सो so, पहले तो टर्टल्स का टर्टल्स की एक स्पीसीज है ग्रीन सी टर्टल्स ग्रीन सी टर्टल्स हैं जो स्पेशली जो वो अडल्ट होते हैं तो वो स्ट्रिक्टली हर्बीवर्स होते हैं सो सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवर्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है और एक और चीज़ ये ग्रीन सी टर्टल में ग्रीन कलर नहीं होता है. इनका जरूरी नहीं है कि कलर ग्रीन हो ये इनके फैट का कलर ग्रीन होता है इसलिए ये ग्रीन सी टर्टल कहा जाए जाते हैं सो स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट और बाकी है स्टेटमेंट टू इज़ फिश सम स्पीसीज ऑफ फिशर हर्बीवरस हाँ कुछ स्पीसीज हैं जैसे पैरट फिश होगी आपकी ये देखिए इसकी इमेज पैरेट फिश की ये हर्बी वर्स है जैपनीज एंजल फिश होगी ये बाकी जो स्पीसीज हैं फिश की वो बता रखी हैं ये हरबी वोरस है तो स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट एंड द थर्ड इज कि जो सी में मेमल्स हैं वो हर्बीवर्स हैं क्या नहीं हाँ डुगोंग इसको सी का वो भी बोलते हैं ये हरबी वोरस है इसका स्टेटस बल ना आपको ये पूछा भी गया सी में डिगोंग के रिगार्डिंग सो so, ये आरबी पोरस है स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड द फोर्थ इज वेदर सम स्नैक्स आर वे पोरस और नॉट वी वी पेरस स्नैक्स कौन से होते हैं जो जब यंग को बर्थ देते हैं तो एग्स एग्स वाला प्रोसेस नहीं होता उसमें इन्वॉल्व होता सो so, इसमें हैं कुछ स्पीसी दोज आर बोआ कॉन्स्ट्रिक्ट एंड ग्रीन एनाकोंडास सो स्टेटमेंट फोर इज ऑल्सो करेक्ट सो ऑल स्टेटमेंट्स आर कनेक्ट करेक्ट सो इसका सोल्यूशन आएगा डी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड द एरिया वेयर इट इज नेचुरली फाउंड ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो नैचुरली फाउंड से रिलेटेड है किसी स्पीज के नेचुरल हैबिटेट से अभी हमने किया था एशियटिक लाइन का और डबल हम्ड जो कैमल है और आपका वन हॉर्न का पूछा गया था तो कोई एरिया यूपीएससी को पसंद आता है तो उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी सो so यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं सो so पहली स्पीसीज़ है ब्ल्यूफिन मासीर ये पूछा गया कि ये कावेरी में पाई जाती है क्या नहीं अब इसकी काफ़ी कम हो गई है जो डेंसिटी है जो इसकी पॉपुलेशन है बट हाँ ये कावेरी वाले रीजन में पाई जाती है दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट और इसका एक और स्पीसीज़ है इसके जो सिस्टर स्पीसीज कह सकते हैं हम बैक्ड मसीर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ क्रिटिकली एंडेजर्ड ये भी इसी रीजन में पाई जाती है स्टेटमेंट वन इज़ क्रैक्ट द जो दूसरा है वो है इरावडी डॉल्फिन है वो चंबल रिवर में पाई जाती है कि नहीं चंबल रिवर में बेसिकली पाई जाती है जो गंगेटिक डोल्फिन पाई जाती है इरावडी डोल्फिन जो पाई जाती है वो है चिल्का लेक वाला रीजन हो गया जो आपका म्यन्मार उधर वाले रीजन में ये पाई जाती है सो so, स्टेटमेंट जो मैच है वो दूसरा इनकरेक्ट है थर्ड इज रस्टी स्पॉटेड कैट ये काफ़ी छोटी कैट है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट अक्रॉस द वर्ल्ड तो ये आपकी पाई जाती है आंध्र प्रदेश वाले फॉरेस्ट में ईस्टर्न घाट में है जो सो so, स्टेट जो मैच है थर्ड मैच है दैट इज करेक्ट सो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट एंड द ऑप्शन इज सी सोल्यूशन इज सी सी इज द करेक्ट सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज और है जो मैं आपको पूछता हूँ, वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में करके कि वो कहाँ पाई जाती है दैट इज डांसिंग डियर ये किस स्टेट में पाई जाती है और एक लेक है इससे एसोसिएटेड उसके बारे में बताएं उसके कुछ पेकुलर बायोमैस है वहां पर उसके बारे में भी लिखे आप कमेंट में सो दैट इज डांसिंग डियर डांसिंग डियर के बारे में आप बताएंगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग माइक्रोबीट्स माइक्रोबीट्स ये पूछा गया कि ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं तो क्या इनका हो सकता है इनका नेगेटिव इम्पैक्ट एक तो मेरेनिको सिस्टम पर पूछा गया है एक कैरिन स्किन कैंसर का बताया गया कि ये स्किन कैंसर करता है क्या नहीं थर्ड इज़ कि ये इरिगेटेड फील्ड्स में क्रॉप प्लांट्स को द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकते हैं कि नहीं एंड फोर्थ इज़ फूड एडल्ट्रेंट्स के तौर पर ये होते हैं कि नहीं सो बेसिकली माइक्रोबीड्स जो हैं वो सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज मैक्म आपका वन मिलीमीटर mm होता है इससे ज़्यादा नहीं होता और ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं ये बेसिकली पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होते हैं जैसे कि शैम्पू बेबी लोशन और आपका इसमें फेस क्रीम में यूपीएससी एस्पायरेंट इन सब चीज़ों से वैसे दूर ही रहते हैं बट फिर भी वी शुड बी अवेयर अबाउट सो माइक्रोबिट्स का जो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है वो है मैरिनो इकोसिस्टम में जब ये रिलीज होते हैं और ये काफ़ी न्यूज़ में था और इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्री ने इसको बैन कर दिया था और इंडिया में भी इसको बैन कर दिया गया था और टू में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी सो दिस इज अबाउट माइक्रोबीट्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अबाउट एग्रीकल्चरल सोइल्स रिलीज

इसलिए ये इंपॉर्टेंट था सो so, इससे पता चलता है कि यू प्रीवियस ईयर पर एक साल से भी पीछे चली जाती है जैसे मान लो जून में एग्जाम हो रहा है तो जून में मई का भी चीज़ें पूछ सकती है अप्रैल की भी चीज़ें पूछ सकती है सो यू शुड बी टोटली अवेयर अबाउट दोज हैपनिंग्स सो कमिंग टू द क्वेश्चन एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट ये बिल्कुल सही है एग्रीकल्चरल सॉइल एक मेजर सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का और ये कुछ हद तक मिथेन भी रिलीज करते हैं बट अब इशू क्या आ रहा है कि हम फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक तो केमिकल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा वो होता है शेयर होता है स्पेशली यूरिया अगर आप फार्मिंग से थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं तो यूरिया का बहुत कंजम्पशन हो रहा है अगर आप ग्रीन रिवोल्यूशन के बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है सो स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज कैटल रिलीज एमोनिया इन टू एनवायरमेंट सो ये भी बिल्कुल सही है और इंडिया में जो एमोनिया के प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है जो आप कह सकते हो पोल्यूशन के तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा है अक्रॉस द वर्ल्ड का अगर कंपैरिजन करें सो स्टेटमेंट टू इज आल्सो करेक्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंडस ये कौन कौन से हैं जैसे अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड ये बिल्कुल सही है ये रिपोर्ट में ये भी मैंशन था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो ऑप्शन इज डी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हाइड्रोजन इनरिच्ड सीएनजी, ये भी एक पर्पस से पूछा गया है क्योंकि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था आई के साथ एच ये हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी से रिगार्डिंग इसलिए न्यूज़ में था और इसलिए पूछा गया है सो so, आप न्यूज़पेपर को अगर रेगुलरली और डिटेल में फॉलो कर रहे हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे ये सो so, कमिंग टू द क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG is elimination इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोडाइक्साइड एमिशन देखिए ये हाइड्रोजन एनरिच्ड जो सी है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन को काफ़ी हद तक कम करता है और कहीं कहते सेवेंटी परसेंट तक कम करता है बट एलिमिनेट नहीं करता ये. सो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग द सेकेंड स्टेटमेंट इज हाइड्रोजन एनरिच्ड सी एन जी एज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाईऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एमिशन ये बिल्कुल सही है ये कम करता है इन पॉल्यूशन को एंड थर्ड इज़ हाइड्रोजन अप टू वन फिफ्थ ऑफ वॉल्यूम कैन बी ब्लैंड विथ सी एन जी एज फ्यूल फॉर बसेज ये देखते हैं हम अभी आगे जाके एच सी हाइड्रोजन एनरिच्ड सी एन जी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन सी एन जी ये भी हम आगे चेक करते हैं सो यहाँ पर स्टेटमेंट वन इज़ रॉन्ग और स्टेटमेंट टू इज करेक्ट स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट थ्री जो कहती है कि ट्वेंटी परसेंट तक हो सकता है बिल्कुल सही जो ओ के साथ जो एग्रीमेंट था वो ट्वेंटी परसेंट तक ही था करने का सो स्टेटमेंट थ्री इज आल्सो करेक्ट और फोर्थ स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी है वो लेस एक्सपेंसिव है सीएनजी से ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि एट प्रेजेंट हाइड्रोजन एच का जो कॉस्ट है वो नेचुरल गैस से ज़्यादा है सो so, सी से ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ता है सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट इज तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सोल्यूशन बी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी इसमें आपको दिया गया है चार स्टेट्स और पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा टू के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सिक्सटीन परसेंट था उससे ज़्यादा था मध्य प्रदेश का फिर उड़ीसा का फिर छत्तीसगढ़ का तो इसका करेक्ट सिक्वेंस आएगा आपका सी सोल्यूशन अब लेटेस्ट आ गई है टू की तो इसमें आपको इस साल पॉसिबली पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है एरिया वाइज तो एमपी फिर अरुणाचल प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा फिर महाराष्ट्र और परसेंटेज वाइज कौन सा है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मेघालय मणिपुर और नागालैंड ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप पीआईबी की समरी भी इसमें देख सकते हो इसमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि किस स्टेट ने मैक्सिमम इंक्रीज किया है फ्रेस्ट कवर को और कहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है किस स्टेट में ये दो आप कमेंट आप बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपोजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपोजिट्स ऑफ मिथेन हाइड्रेट तो यहाँ पे आपको मिथेन हाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए मिथेन हाइड्रेट क्या है ये बेसिकली एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का तो उसके अंदर एक मिथेन का मॉलिक्यूल होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं इसके बारे में और ये बिल्कुल सही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर हो जाती है तो बेसिकली आइस मेल्ट करेगी तो ये रिलीज होगा सो ये स्टेटमेंट वन इज करेक्ट द सेकेंड इज लार्ज डिपोजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टोंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर सो चार मेजर रीजन है जहाँ पर पाए जाते हैं वो ये हैं एक तो बिल्कुल जो दिया गया आपका सेडिमेंट्री एंड सेडिमेंट सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक यूनिट्स बिलो आर्कटिक पावर फ्रोस्ट सेकेंड इज सेडिमेंट्री डिपोजिट अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल मार्जिंस

इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए यूपीएससी इनके बारे में कभी भी पूछ सकता है इस साल पूछ सकता है अगले साल पूछ सकता है और भगवान करे इस साल पूछ लें और आप पढ़ लें और इसी साल हो जाए अगले साल का सोचें ना सो थर्ड इज मिथेन इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू ये बिल्कुल सही है मिथेन की जो लाइफ है लाइफ स्पैन वो छोटा है सी ओ टू के मुकाबले में बट इसका जो आपका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है वो ज़्यादा है इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है डिकेड और टू डिकेड में ठीक है तो ये स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा डी डी इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्रॉप बर्निंग की जो समस्या है क्रॉप एसिडी बर्निंग की समस्या है इसके बारे में ये कि कौन कौन सी गैस ज़्यादा रिलीज होती है इससे जब हम क्रॉप एसिडी को बर्न करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिसेंटली पूछा न्यूज़ में काफ़ी था सो so, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही मिथेन बिल्कुल सही ओजोन ये भी इसमें होती है ट्रेसिस में होती है बहुत कम होती है बट होती है सल्फर डाइऑक्साइड होती है सो इसका ऑप्शन आएगा डी अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है रिसेंट बजट में कोई प्रपोजल है वो देखिए कौन कौन सी स्टेट्स में इसमें एक कलेबरेटिव मैकेनिज्म हुआ है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इसको मैनेज करने के बेटर वे में जैसे हैप्पी सीडर है एस एस है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम तो so, ये आपको पता होना चाहिए लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ केमिकल्स के नाम देखे हैं कार्बोफोरन मिथाइल पैराथीन फोरेट ट्राइजोफोस और ये पूछा गया है किससे रिलेटेड है ये पेस्टिसाइड है ये प्रिजर्वेटिव है या फूड फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स है या मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से 2018 में अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ये पेस्टिसाइड्स बैन किए थे उनमें ये इनका भी नाम था ये बेसिकली क्या है ये आपके ह्यूमन हेल्थ को काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं इनको नाइकोटाइनोइड भी बोला जाता है ये बेसिकली इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करने का काम करते हैं तो और उनको एलिमिनेट करने के लिए इनको डेवलप किया गया था बट इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो फार्मर्स पर भी दिख रहा है कई अलग कंट्रीज ने अदर कंट्रीज़ ने इनको बैन कर दिया था बट इंडिया में नहीं थे तो इनको इंडिया में भी बैन कर दिया गया सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए सो आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही आते हैं और वो जरूरी नहीं है कि महीने दो महीने से वो पिछले साल के करंट अफेयर से आ रहे हैं सो so, आप पिछला एक डेढ़ साल का करंट अफेयर अच्छे से देख के जाएं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइक कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन एक ना क्वेश्चन यूपीएससी प्रोटेक्टेड एरिया के मैप से पूछती है वो बायोस्फीयर रिजर्व का भी है देखे जैसे आपने अभी देखा बायोस्फीयर रिजर्व का पूछ लिया नेशनल पार्क का पूछ लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूछ सकती है टाइगर का पूछ सकती है टाइगर रिजर्व्स का सो so, इनका आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर फीचर के लिए कोई इंपॉर्टेंट हो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बायस रिज़र्व तो उसको जरूर याद रखें सो so, यहाँ पे है कि कौन सा टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है कम्प्लीटली हम एक एक करके देख लेते हैं मानस है जो मानस में चार टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है सो so, ये एक सिर्फ कम्प्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन का नहीं है इसमें कौन कौन सी वेजिटेशन है जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है इसमें आपके मिक्सड मॉइस्ड एंड ड्राइड एसिडिस फॉरेस्ट भी हैं और सेमी एवरग्रीन ग्रास लैंड भी हैं सो so ये तो है ही नहीं ये आप लेटीट्यूड वाइज भी देख सकते हो कि इनका किस लेटीट्यूड पे लोकेटेड है सो so उसमें टेम्परेट अल्पाइन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं टेम्परेट अल्पाइन उस पे एरिया में है जहाँ पर ट्री लाइन आपकी उसके बियड होता है जो वहाँ पर इसका आ जाता है सेकेंड इज नामडफा नेशनल पार्क नामडफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर भी कम्प्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन नहीं है कुछ अल्पाइन का है बट कम्प्लीटली नहीं है ये इसमें मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है और आपका टेम्परेट फॉरेस्ट भी है सो स्टेटमेंट टू इज आल्सो ऑप्शन टू इज रॉन्ग थर्ड इज न्यूरा वैली नेशनल पार्क न्यूरा वैली नेशनल पार्क में भी नहीं है दार्जिलिंग के पास है यहाँ पर भी नहीं है फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में यहाँ कम्प्लीटली अल्पाइन टेम्परेट अल्पाइन जोन में है ये यह। यहाँ की फ्लोरा यहाँ के फोना इसी जोन को रिप्रेजेंट करता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज टी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एक डील हुई थी 2018 में ये फिर देखिए आप पिछले साल का करंट अफेयर था कर... एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड इसमें किस कंट्री के साथ हुई थी ये बताना है इंडिया की ये बेसिकली न्यूज़ में था क्लियरली रशिया के साथ हुई थी ये और रशिया के साथ हमारी वैसे भी अगर आप इंटेलिजेंट गैस लगाएं तो न्यूक्लियर की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा है जो कुडनकुलम प्लांट है आपका वो उन्हीं के साथ है और बाकी भी प्लांट इस्टेब्लिश करने का वो चल रहा है और वी वी ई आर टेक्नोलॉजी है जो रशिया हमें दे रहा है और एक थर्ड कंट्री में भी इकट्ठे होके ये प्लांट लगाने की कर रहे हैं बांग्लादेश में सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन वन इज़ अगेंस्ट करप्शन एंड अनदर इज अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम सो इन दो के बारे में पूछा गया और चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पहली जो स्टेटमेंट है वो है कि वेदर इट हैज़ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाई लैंड सी एंड एयर और नॉट और सेकंड है कि वेदर इट इज़ फर्स्ट एवर लीगली बाइडिंग ग्लोबल करप्शन एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट और नॉट और थर्ड है यू के अंदर एक कोई चैप्टर है क्या नहीं जिसके अंदर रिटर्निंग ऑफ ऑफिसर्स टू द राइटफुल ओनर्स की बात की गई है और फोर्थ स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम वेदर इट इज़ मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ यू एन सी एस सी एन टी ओ सी लेट सी विच ऑफ दिज आर करेक्ट सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज द ओनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट और इसके अंदर एक चैप्टर है यू एन सी एस सी के अंदर जो असैट रिकवरी और एम एसेट रिकवरी की बात करता है और इट इज़ एम्ड एट रिटर्निंग एसेट टू द राइट फुल ओनर्स सो जो स्टेटमेंट थ्री है कि यू एन टी ओ सी का पार्ट हो है ये चैप्टर ये गलत है और यू एन टी ओ सी के अंदर एक प्रोटोकॉल कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इसको सप्लीमेंट करती है उसमें एक प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाई लैंड सी एंड एयर सो so, ये स्टेटमेंट है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है कि जिसमें बताया गया है कि यू एन का पार्ट है इट इज नॉट पार्ट ऑफ यू एन बट यू एन सो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री इज रॉन्ग अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ये ही इनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल है यू एन को और यू एन को सो स्टेटमेंट फोर इज आल्सो करेक्ट सो इसका करेक्ट सोल्यूशन आएगा सी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्लोबल कंपिटेटिवनेस रिपोर्ट कि इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है सो so, इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म और वर्ल्ड बैंक सो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म रिलीज़ करती है ये आपने देखा ही होगा ये इजी क्वेश्चन है और ये अभी रिसेंटली 2019 में इसकी रैंकिंग इंडिया की जो कम हो गई है वो 58 से 68 पे चली गई है तो एक ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम इट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अलावा भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म कुछ अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करती है तो वो कौन कौन सी हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी होएगी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट टू और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ये रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म पब्लिश कर चुका है सो so, ये पूछा जा सकता है आगे भी तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यू पी क्वेश्चन पूछती है कम से कम पिछले चार पाँच साल से सो दिस इज एंड ऑफ ओवर दिस पार्ट ऑफ सेक्शन इन दिस डिस्कशन सीरीज वी विल मीट अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग ऑल द बेस्ट